ये देखिए, आज हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये साइंस के विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं, इसको जैसे ही धूप में लेके आए, देखिए घूमने लग गया है। ये क्रुक्स रेडियोमीटर है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि धूप है हमारी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके संपर्क में आता है तो इसके जो चार हिस्से हैं एक तरह से, और वो घूमने लग जाते हैं। हालांकि इसके अंदर वैक्यूम है, सेमी वैक्यूम है इसके अंदर, पूरा कांच का ये बना हुआ है, मेड अप ऑफ ग्लास एंड, और इसके अंदर वैक्यूम है, परंतु जैसे ही इसको धूप में रखा गया और ये घूमने लग गए हैं, देखिए कितनी तेज़ी से घूम रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्रुक्स रेडियोमीटर। अब जैसे ही इसको अंदर लेके जाते हैं, आइए अंदर लेके जाते हैं, मैं रंजीत से गुजारिश करूँगा कि इसे अंदर लेके जाएं इंस्ट्रूमेंट को, और फिर देखिए क्या होता है। ये देखिए, जैसे ही इसको अंदर लेके आए हैं, कमरे के अंदर लेके आए, ये रुक गया है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स हमने बंद कर दिया, ये रुक गया और उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग गया। तो जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में रखें तो ये घूमने लग जाएगा। तो ये हमारा आज का इंस्ट्रूमेंट। आज की जानकारी के लिए लेने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए, कांच का गिलास है, अंदर पूरी तरह से बढ़िया तरीके से दिख रहा है, क्रुक्स रेडियोमीटर। थैंक यू वेरी मच।